जोधपुर का फेमस मिर्ची पकौड़ा। ये आपको एक काट करके भी दिखाता हूँ, क्या ही जबरदस्त बनकर क्या है, ये देखिए। आइए देखते हैं प्रोसेस कैसे बनता है ये मिर्ची पकौड़ा। 2 टेबलस्पून ऑयल, पिंच ऑफ हींग और 1 टेबलस्पून जीरा सीड, फाइन चॉप ग्रीन चिल्ली और अदरक, 5 से 6 उबले हुए आलू, बॉइल्ड एंड मैश, आधा टेबलस्पून गरम मसाला, लाल मिर्च और हल्दी, आधा टेबलस्पून भुना हुआ जीरा, धनिया पाउडर और सिट्रिक एसिड, नमक स्वाद अनुसार, मिक्स एवरीथिंग। आलू का मटेरियल तैयार है, आप डाल देते हैं इसमें हम काफी सारा सा धनिया पत्ता, 2 कप बेसन, 1/4 टेबलस्पून लाल मिर्च, अजवाइन सीड्स और हल्दी पाउडर, साथ में डालें नमक स्वाद अनुसार, एड वाटर एंड मेक अ थिक डो, बेकिंग सोडा 1/4 टेबलस्पून, बेसन का डो इतनी थिक कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। मिर्ची पकौड़ा बनाने के लिए हमने ये हरी मिर्च इसमें इस तरीके से चीरा लगा दी। चम्मच का पीछे वाला पोर्शन लीजिए और इनसे ये सारे के सारे बीज जो है ऐसे निकाल दीजिए। मिर्ची को अंदर से बिल्कुल ऐसे खोखला कर, और अब इस मिर्चियों को भर देते हैं आलू के मटेरियल से। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप भरते जाइए, अच्छी तरीके से एकदम फुल भर दें आलू के मटेरियल से। जोधपुरी मिर्ची की फिलिंग हो गई है तैयार, इसमें लगाते हैं बेसन का लेप और बनाते हैं पकौड़े। सिंपल और आसान तरीका है, ऐसे मिर्ची को डबाइए, जब मिर्ची की जो पूंछ है इधर से इसको पकड़ लें, पूंछ से पकड़ें और तेल में डाल दें। ये लाजवाब मिर्ची हो गई है फ्राई, एकदम लाजवाब मिर्ची फ्राई होकर के आ गई। दोस्तों ये तैयार है हमारे जोधपुर के फेमस मिर्ची पकौड़े।